प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। तेरे असीम कृपा दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारे सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। तू ही सबका प्रभु और सृजनहार है, सदा सर्वदा। आमीन। सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तने को तू नव जीवन देता, आत्मा का है तारण करता। हे प्रभु मैंने अपने हाथ मलमल कर तेरी वेदी की परिक्रमा करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। जीता है विश्वास के द्वारा, दिल में विश्वास भरते हुए मन से मन को सजाते हुए, एकांत जब हम रहते प्रार्थना तब जग जाती है। विनम्रता से
प्रभु ईश्वर में है। बिजली पैदा होती जल में और उसी में रहती है, गहराई में जाने पर उसकी बचाव होती है। एकांत में डूबती जितनी उतनी आत्मा पाएगी प्रार्थना का परमानंद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जय। मन और मन के विचारों को भी प्रार्थना पावन करती है। जीवन काल के कार्य कला विश्वास निर्मल करता है। विश्वास एवं प्रार्थना द्वारा मानव प्रभु की दृष्टि में पवित्रता से जीता है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी असीम दया और अविराम संरक्षण के लिए हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन प्रभु मेरी बात सुन, मेरी विनती स्वीकार कर। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबन प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे, मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना हो। घर में मुझ पर भले ही हाथ उठाए और भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करे। क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। वे न्याय की सदा से टकरा कर डूब जाएंगे और समझेंगे कि मेरे शब्द कितने मधुर थे। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ, मैं उसे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरे दाहिने दृष्टि डाल और दे, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। मेरे लिए कोई शरण नहीं, कोई मेरे जीवन की चिंता नहीं करता। मेरे यह कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है, जीवितों के देश में मेरा भाग्य। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। मैंने शपथ खाई और इस पर रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूँगा।
प्रभु मेरा बहुत अधिक अपमान किया गया है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर। प्रभु मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करने की कृपा कर, मुझे अपने नियमों की शिक्षा प्रदान कर। मैं निरंतर हथेली पर जान रखता हूँ, लेकिन मैंने तेरी सहिदा नहीं भुलाई है। विधर्मियों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, किंतु मैं तेरे आदेशों से नहीं भटका हूँ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्र उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक, आमीन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रभु मेरी बात सुन, मेरी विनती स्वीकार कर, हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू हमारे शरीरों को आरोग्य देता है और हमारी आत्माओं को प्रत्याशा प्रदान करता है। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन और हम पापियों पर दया कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन। खटखटा वो द्वार जरूर खुल जाएगा, करुणा सोत प्रभु के द्वार, हम अगदे नित दस्तक दे, दृढ़ विश्वास बनाए रखे, बेशक वरदान पाएंगे, चाहे समय लगे कुछ भी, बरसेगी। तू मानो के दिल की जानने वाला है, सब कुछ भी न दिया जाता, देता केवल जो है सही, मांगे जाने से पहले बच्चों की जरूरत क्या, सच मुझ पिता जानता, बहु ज्ञानी वह वरदानी। स्तुति हो पिता की, पुत्र पावन आत्मा की, ईश्वर करुणा निधि तो है, अनुचित मांग नहीं सुनता, क्या प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे हमारे प्रभु, अपने पवित्र त्रित्व पर हमारा विश्वास परिपूर्ण कर दे, हमें इस योग्य बना दे कि हम तुझे स्तुति सम्मान और आराधना समर्पित करें। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन। महिमा गा,
हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 12 से 14 तक और 20 से 26 तक। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेत्रुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु से विनय करें, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता और सांत्वना दाता, हे हमारे पालनहार और तारणहार, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। सभी कलीसियाओं की एकता और उन्नति के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। विश्व शांति के लिए, समस्त राष्ट्रों के सहयोग एवं सुस्थिति के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। अपने देश की प्रगति एवं सुरक्षा के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, उपजाऊ ऋतुओं के लिए, अच्छी फसल के लिए और सारी दुनिया के कल्याण के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। कलीसिया के अधिकारियों का संरक्षण कर
और उन्हें सौंपे हुए लोगों को विश्वास में सुदृढ़ एवं सत्कर्मों में उत्साही बनाने में उन्हें सहायता दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह के संपूर्ण कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष पोप फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के मुखिया और पिता मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मास सेबास्टियन के लिए तथा उनके सत्सेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। सभी याचकों उपयाचकों एवं विश्वासियों को यह कृपा दे कि वे निर्मल हृदय एवं पवित्र अंतकरण के साथ तेरी सेवा करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। कलीसिया के सभी समर्पित लोग पूर्णता के मार्ग पर चलकर अपनी दौड़ पूरी करें और विजय का मुकुट पाएं। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। प्रेरिताय में उत्साही लोग धर्मियों को प्रचुर मात्रा में देकर कलीसिया को संपन्न बना दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सभी व्रत विश्वासियों को, विशेषकर हमारे स्नेही स्वजनों को स्वर्ग राज्य के सहभागी बना दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। रोगियों को स्वस्थ लाभ, दुखियों को दिलासा एवं मरणासन लोगों को शांति दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। अनाथों और गरीबों की रक्षा कर और आत्मिक एवं शारीरिक रूप से पीड़ित लोगों को सांत्वना दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हमारी माता पवित्र कुंवारी मरियम, संत यूसुफ और प्रेरित संत थॉमस की प्रार्थनाओं में शरण लेकर स्वर्गोन्मुख जीवन बिताने की शक्ति दे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु, प्रार्थना और याचना द्वारा शांति एवं दया के दूत के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। जीवन भर कलीसिया की शाश्वत शांति के लिए और पाप रहित जीवन के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। पवित्र आत्मा से प्राप्त परिपूर्ण प्रेम भाव की एकता के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। पापों की क्षमा के लिए और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले एवं तुझे प्रसन्न करने वाले दानों के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। तेरी असीम आशीष एवं शाश्वत कृपा के लिए हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं। हम सब अपने आप को और हर एक दूसरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के देव चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने शरीर और आत्मा को तुझे सौंपते हैं। हमारे पाप क्षमा कर और हमें आशीष प्रदान कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु और आपका आशीर्वाद। प्यारे भाई और बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। सबको पवित्र करने वाले की आशीष, सभी को सांत्वना देने वाला का दिलासा एवं सबों पर कृपा बरसाने वाले की करुणा और परिपालन हम पर, इस मंडली पर एवं समस्त मानव जाति पर बनी रहे, अब सदा हो सर्वधा। आमीन। सबके सब करते रहो, दूजों के लिए विनती सदा, जो दूजों हित करता दुआ, अपने हित ही करता दुआ, प्रभु
क्या तुमको देता हूँ, प्रेम परस्पर करते रहो, प्रेम के पंखों पर होकर जो विनती उड़ती नभ और स्वर्ग का द्वार वही खोलती और प्रवेश भी कर पाती, प्रेम के लवण मेरा बलि में कहती पावन तम वाणी, यदि मन जो से प्रेम नहीं तो प्रभु ईश्वर से भी नहीं। स्तुति हो पिता की, स्तुति सुत की, स्तुति हो पावन आत्मा की, प्रभु जो जो दुनिया चरवाहे अपनी जो भी किरणों से तमस हटा दे दुनिया से। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु मसीह, तूने हमें नित्य प्रार्थना करने का उपदेश दिया और अपने आदर्श द्वारा हमें सिखाया, हमें यह कृपा दे कि हम आलस्य छोड़कर आशा के साथ निरंतर प्रार्थना करें, प्रशांत विनम्र एवं एकाग्र मन से त्याग सुगंधित एवं आपसी प्रेम भरे सत्कर्मों के साथ प्रार्थनाओं से हम तुझे संतुष्ट करें। तू ही सबका प्रभु है सदा सर्वदा। आमीन। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नव युवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु तो धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कर्ण तेरे सब नियमों का बखान करता रहा, धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। मैं तेरी विधियों का मनन करूंगा, मैं तेरे मार्गों का ध्यान रखूंगा। तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है, मैं तेरी शिक्षा कभी नहीं भुलाऊंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत तक, आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, जो तेरी कृपा के द्वार पर खटखटाते हैं उनके लिए तू अपना द्वार खोलता है। हमारी संध्या प्रशांत हो, निशा सुखमय हो, प्रभात प्रतीक्षा पूर्ण हो और दिन सत्कर्मों से संपन्न हो। यह कृपा दे कि हम जीवन भर तुझे प्रसन्न करें। तू ही सबका प्रभु है पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे प्रभु तू प्रेम है और असीम प्रेम का सागर है। तू अपनी भेड़शाला के आंगन में जागता हुआ चरवाहा बन। तू अपने भेड़ों को उन भेड़ियों से बचा जो उनके खून के लिए प्यासे हैं। तू ही सबका प्रभु है पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे प्रभु तू अपने महिमा में तृत्व का रहस्यमय सामर्थ्य अनंत कृपा और निरंतर सहायता हमें प्रदान कर। पवित्र कुमारी मरियम के प्रार्थना एवं संत योसेफ तथा पवित्र प्रेरितों के अनुनय विनय के द्वारा दिव्य सहायताएं हमें सदैव प्राप्त हो। हमारे पिता प्रेस संत थॉमस, संत जॉर्ज और दूसरे शहीदों और इस भवन के संरक्षक पिता वेनरेबल फादर मत्यु कदली काटिल और सब संतों एवं धर्माचार्यों की मध्यस्थता हमारी मदद करें।
वे हमें आश्रय एवं सहायता दें तथा शैतान और उसके साथियों से बचाकर हमें स्वर्गिक आनंद की ओर ले चलें। तो ये सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे मसीह सनातन पिता की ज्योति, हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। अपने धर्मियों की प्रार्थनाओं द्वारा हमें पापों की क्षमा कर और हम विपदाओं में सांत्वना दे। तू हमें अपनी स्वर्गीय ज्योति की ओर ले चल तथा जीवन की सब विपत्तियों में अपनी पवित्र सलीब की शक्ति से हमारी रक्षा कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अब सदा व सर्वदा। आमीन। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.